बहुत सारे प्लांट्स हो जाने पर सभी के सॉइल को चेक करके पानी देना पॉसिबल नहीं होता है और जरूरत से ज्यादा पानी मिलने के कारण कुछ प्लांट ओवरवाटरिंग होके मर जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फॉलो करें ये कुछ आसान तरीके। तो लोकेशन और प्लांट की वैरायटी के हिसाब से ही सॉइल कंपोजिशन तैयार करें। तो आउटडोर प्लांट्स के लिए सॉइल में सैंड की क्वांटिटी थोड़ी कम रखें और इंडोर लोकेशन में रखे हुए प्लांट के सॉइल में सैंड की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा। इंडोर और आउटडोर में रखे हुए प्लांट्स को सेम डे पर पानी कभी भी ना, और इंडोर लोकेशन में रखे हुए पौधों को 2 या 3 दिन में एक बार मॉर्निंग सन में डायरेक्ट 2 या 3 घंटे के लिए जरूर रखें। और इंडोर प्लांट्स के लिए कभी भी सेल्फ वाटरिंग पॉट्स का इस्तेमाल ना करें।